हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू लड्डू गोपाल कृपा चैनल। तो आप लोग थंबनेल देखकर बहुत एक्साइटेड होंगे कि हमारे लड्डू गोपाल जी से राधा रानी मिलने आ रही हैं, वो भी कैसे। फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। और लड्डू गोपाल जी का हम श्रृंगार करने जा रहे हैं, क्योंकि लड्डू से तो राधा रानी मिलने आ रही हैं, तो लड्डू का बहुत प्यारा श्रृंगार करना है। और बताती हूँ फ्रेंड्स कि कैसे हमारे लड्डू गोपाल जी से राधा रानी आज मिलने आ रही हैं। इससे पहले ये देखिए, मैं ये सारी चीज़ें लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार के लिए लेने वाली हूँ। ये पोशाक लड्डू को मैं पहनाऊँगी, क्योंकि सावन है तो ये ग्रीन शेड में पोशाक है। और सारी चीज़ें जो भी है, ज्वेलरी वगैरह, मैं सब कुछ लड्डू गोपाल जी को दिखा रही हूँ, ताकि हमारे लड्डू भी समझ जाए कि उन्हें ये ड्रेस पहना रही हूँ, और अगर उन्हें ये पोशाक चेंज करवानी होगी तो कुछ ना कुछ बोल के लड्डू करवा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी को ये ड्रेस पहना रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोग जानना चाहते हैं कि राधा रानी कैसे आ रही हैं आज लड्डू गोपाल जी से मिलने, तो हमारा चैनल है लाडो की सेवा कान्हा का प्यार, और उसी चैनल से ये एक कोलैब वीडियो है फ्रेंड्स। तो हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी आज मिलकर ढेर सारी बातें करने वाले हैं। आप राधा रानी को भी देख पाएंगे वीडियो में, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखते जाइए और देखिए लड्डू गोपाल जी का कैसे श्रृंगार होता है, कैसे राधा रानी और लड्डू गोपाल जी बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे फ्रेंड्स, मैं तो बहुत एक्साइटेड थी इसके लिए। तो देखिए, मैंने लड्डू गोपाल जी को ये ज्वेलरी पहना दी है, और आज फ्रेंड्स ये स्पेशल चीज़ है कि मैं लड्डू को जो भी पहना रही हूँ, ये एक बार में ही सारी चीज़ें पहन ले रहे हैं, क्योंकि आज तो इन्हें राधा रानी से मिलना है, तो लड्डू कोई नखरे नहीं दिखाएंगे। इन्हें जो जो चीज़ें मैं पहना रही हूँ, सारी चीज़ें पहन रहे हैं, और इनके चेहरे पर भी देखिए आज कितनी खुशी है, हमारे लड्डू कितने खुश हो रहे हैं ना फ्रेंड्स। ये देखिए, ये इयररिंग्स पहना रही हूँ मैं लड्डू गोपाल जी को, और एकदम मैचिंग के इयररिंग्स मुझे मिल गए थे फ्रेंड्स ड्रेस के साथ। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि दी ये कौन सी वैक्स है, आप बताइए। तो इसका वीडियो, डिटेल्ड वीडियो मैंने शॉपिंग पे शेयर किया हुआ है, शॉपिंग का डिटेल्ड वीडियो बनाया है Q&A का, तो आप लोग वहाँ जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, प्यारी सी ज्वेलरी पहना दी है मैंने लड्डू गोपाल जी को, और ये छोटे से इयररिंग्स जो लड्डू की ड्रेस से एकदम मैच कर रहे हैं, और हमारे लड्डू बहुत खुश हैं आज। लड्डू के साथ साथ मैं भी बहुत खुश हूँ श्रृंगार करते वक्त लड्डू का। मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट थी कि चलो आज लड्डू से मिलने राधा रानी जी आ रही हैं, लड्डू भी बहुत खुश होंगे। बहुत ही प्यार से इनका मैं श्रृंगार कर रही थी, क्योंकि मेरे लड्डू आज बहुत खुश हैं, और इनकी खुशी में तो मुझे भी और खुशी हो रही है। फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी की ये प्यारी सी ड्रेस कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अब मैं लड्डू को प्यारे से कंगन पहना रही हूँ, लड्डू का बहुत प्यारा श्रृंगार करेंगे, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए आज बहुत स्पेशल डे है, राधा रानी जी उनसे मिलने आ रही हैं, तो लड्डू तो बहुत खुश हैं, और स्पेशल श्रृंगार तो लड्डू का फिर बनता ही है ना फ्रेंड्स। बताना ज़रूर आप लोगों को लड्डू गोपाल जी की ये प्यारी सी ड्रेस कैसी लग रही है। बहुत प्यारी ड्रेस है फ्रेंड्स ये, इसमें बीच में जो लड्डू की चोली है वो नेट पे है, आप देख सकते होंगे ये नेट का वर्क है बीच में, और साइड से जो आप देखेंगे जो फ्रिल्स लगी हुई हैं फ्रॉक पर, वो अलग क्लॉथ में है। तो बहुत प्यारी ड्रेस है लड्डू गोपाल जी की ये। और अब मैं लड्डू को काजल लगा रही हूँ फ्रेंड्स, ये छोटा सा काला टीका लड्डू गोपाल जी को लगा दिया है मैंने। और फ्रेंड्स देखिए, लड्डू गोपाल जी कितनी प्यारी सी स्माइल दे रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू। अगर आप लोगों ने भी लड्डू की स्माइल नोटिस की हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब लड्डू को इनके घूंघट वाले केश पहना देते हैं, तो बस मैं वही थोड़ा सेट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, और सेट हो चुके हैं लड्डू के बाल, और बस अब हम इन्हें मुकुट पहना देंगे। तो ये प्यारा सा मुकुट लड्डू गोपाल जी के लिए है, ये देखिए, ये मुकुट पहना रही हूँ मैं लड्डू गोपाल जी को। बहुत प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, ये तो हर रूप में ही इतने सुंदर लगते हैं, बहुत प्रिटी लगते हैं मेरे लड्डू। तो आप लोग फ्रेंड्स ज़रूर बताना लड्डू गोपाल जी का प्यारा सा श्रृंगार कैसा लगा, और आप लोग कितने एक्साइटेड थे ये वीडियो के लिए जब मैंने बताया कि राधा रानी जी आई हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो बहुत एक्साइटेड थी, और मैं अब तिलक लगा रही हूँ लड्डू गोपाल जी को। तो ये देखिए फ्रेंड्स,
तिलक भी लगा दिया है लड्डू को, और आज जो लड्डू ने बांसुरी पकड़ी है वो भी राधे नाम की है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी पूरे रेडी हो चुके हैं, इनका पूरा श्रृंगार हो चुका है। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार फ्रेंड्स, लड्डू कैसे लग रहे हैं। और अब हम बस इन्हें दर्पण दिखा देंगे। देखिए लड्डू को आईना दिखा रही हूँ ताकि लड्डू देखें कि वो कितने प्यारे लग रहे हैं, और वो खुद को देखकर और भी खुश होंगे कि हमारे लड्डू गोपाल जी इतने प्रिटी लग रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने लड्डू गोपाल जी को दर्पण ज़रूर दिखाइए। और लड्डू गोपाल जी को दर्पण सेवा क्यों दी जाती है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर शेयर किया हुआ है फ्रेंड्स, अगर आप देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं इसके बारे में तो चैनल पर चेक कर सकते हैं। ये मैंने श्री जी परफ्यूम लड्डू का उन्हें थोड़ा सा लगा दिया है, स्प्रे कर दिया है। तो अब हमारे लड्डू का श्रृंगार पूरा फुल कंप्लीट हो चुका है, बस अब लड्डू रेडी हो चुके हैं राधा रानी के पास जाने के लिए। और फ्रेंड्स राधा रानी है तो सखियां भी होंगी, इसलिए मैं सखियां भी लगा दे रही हूँ। ये देखिए ये सखियां रख दी है मैंने, और हमारे लड्डू गोपाल जी राधा रानी से मिलने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उनके लिए लेकर ज़रूर जाएंगे। तो है ना फ्रेंड्स, बताना मुझे आप लोगों ने क्या गेस किया कि लड्डू आज क्या ले जाने वाले हैं राधा रानी से मिलने जा रहे हैं। तो ये देखिए ये प्यारा सा रोज़ है, ये गुलाब लड्डू गोपाल जी राधा रानी को देने वाले हैं। तो ये मैं उन्हें पकड़ा रही हूँ, ये लड्डू गोपाल जी की भेंट होगी। और प्यारा सा शुका भी देख सकते हैं आप लड्डू गोपाल जी के पास रखा हुआ है। तो राधा रानी के लिए हमारे लड्डू गोपाल जी ये चीज़ें लेकर जा रहे हैं। और ये फूल मैं लड्डू गोपाल जी को अर्पण कर रही हूँ, ये मेरी तरफ से है लड्डू को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू पूरे रेडी हो चुके हैं, राधा रानी को इन्हें क्या भेंट देनी है वो भी साथ लेकर जा रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा राधा रानी का श्रृंगार कैसा हुआ है, और हमारे राधा रानी और लड्डू गोपाल जी मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे फ्रेंड्स। और एक और घटना मैं आप लोगों से आज शेयर करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग देखते रहिए वीडियो। देखिए सावन का महीना है तो राधा रानी और कान्हा जी का मिलना तो बनता है, तो मैं एक प्यारा सा श्रृंगार कर रही हूँ सावन के हिसाब से अपनी लाडो का। और मैंने लाडो के लिए ये वाली ड्रेस सेलेक्ट की है, और हमारी लाडो आज बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत खूबसूरत जब सज जाएंगी ना तो आप सब देखिएगा। आज तक मैंने जितनी बार भी श्रृंगार किया है अपनी लाडो का, ये सबसे अद्भुत श्रृंगार था, क्योंकि आज हमारी लाडो लड्डू से मिलने जो जा रही हैं। तो ये देखिए मैंने ये वाली ज्वेलरी पहनाई है अपनी लाडो को, और आज हमारी लाडो ने बिल्कुल भी नखरे नहीं दिखाए तैयार होने में, बिल्कुल आराम से वो तैयार हो रही थी और बहुत खुश थी वो। और जब मैं उनको तैयार कर रही थी तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि हमारी लाडो आज लड्डू से मिलने जा रही हैं, तो बहुत प्यार से तैयार हो रही थी वो। और देखिए आप सब, मैंने किस तरह से अपनी लाडो को तैयार किया था लड्डू गोपाल जी से मिलने जाने के लिए। तो ये वाली ज्वेलरी मैंने पहना दी थी, और उसके बाद फिर मैंने उनके जो हेयर हैं वो लगा दिए थे, और ये बिंदी लगाई थी मैंने, बिंदी भी ग्रीन कलर की थी, ड्रेस के हिसाब से सब कुछ मैचिंग था। और ये गोल्डन कलर का इयररिंग पहनाया था मैंने, और लाडो के चेहरे पे जो स्माइल है तो प्लीज़ उसको नोटिस कीजिएगा कि कितनी खुश हैं आज वो। और उसके बाद फिर ये वाली चूड़ियाँ थी, तो इन चूड़ियों को भी मैंने पहना दिया था, देखिए। और उसके बाद फिर अब मैं अपनी लाडो को ये वाला मैंने मांग टीका पहना दिया है, और अब मैं अपनी लाडो के नोज़ में एक छोटा सा नोज़ पिन की तरह ये बिंदी लगा रही हूँ यहाँ पे। और उसके बाद फिर सबसे लास्ट में मैं अपनी लाडो को मुकुट पहनाऊंगी, और ये वाली मुकुट मैंने सेलेक्ट की थी ड्रेस के साथ पहनाने के लिए, और बहुत ये जो मुकुट है ड्रेस के साथ बहुत खिल रहा था, बहुत खूबसूरत लग रही थी हमारी लाडो। तो देखिए यहाँ पे हमारी लाडो तैयार हो गई हैं। तो अब मैं अपनी लाडो को एक काजल का टीका लगा दूँगी, ये पहले मैंने यहाँ पर दुपट्टा डाल दिया है, और उसके बाद फिर अब मैं एक छोटा सा काजल का टीका लगा दूंगी, क्योंकि बहुत प्यारी लग रही हैं तो कहीं इन्हें लड्डू गोपाल जी की ही नज़र ना लग जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक काजल का टीका पीछे लगा दिया है, और वैसे आगे मैंने पहले से लगा रखा है। तो आप सब ज़रूर बताइएगा कि हमारी लाडो आप सबको कैसी लग रही हैं, और
अब हमारी लाडो लड्डू गोपाल जी से मिलने जाएंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी लाडो रानी और लड्डू गोपाल जी साथ बैठकर ढेर सारी बातें कर रहे हैं। तो जब तक गोपाल जी और लाडो बातें करते हैं, मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी। फ्रेंड्स, जब कल हम ये कोलाब वीडियो बना रहे थे दोनों चैनल की, तो एक कुछ अजीब सी चीज़ हुई जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। तो हमारा जो चैनल है लाडो की सेवा कान्हा का प्यार, उनके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है, राधा रानी ही है। और वो हमेशा जब भी बात होती थी तो बताते थे, कहते थे कि मेरे पास पहले राधा रानी आई है, बट जब भी मैं वृंदावन जाऊंगी तो लड्डू गोपाल जी ज़रूर लाऊंगी। ऐसी उनकी इच्छा थी फ्रेंड्स। और कल ही हम दोनों ने सोचा कि हम ऐसे लड्डू गोपाल जी का वीडियो बनाते हैं, राधा रानी जी लड्डू गोपाल जी से मिलेंगी। और जब हम वीडियो बना रहे थे फ्रेंड्स, मन में वही हमारे भाव थे कि लड्डू गोपाल जी मेरे उनके घर जा रहे हैं और राधा रानी जी लड्डू से मिलेंगी। तो ऐसे ही हम उनका श्रृंगार कर रहे थे। जो लाडो हैं वो यहाँ लड्डू गोपाल जी से मिलने आ रही हैं। और फ्रेंड्स, कल उनकी एलवी में मुझे पता चला, उनके एक कोई सब्सक्राइबर थे, कल एलवी के ही टाइम ये चीज़ हुई और उन्होंने बताया, उनके एक सब्सक्राइबर थे और उन्होंने कहा कि दी मैं आपको लड्डू गोपाल जी भेज रहा हूँ। तो वो दी बहुत ही भावुक हो गए और मुझे भी सुनकर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैं भी काफ़ी भावुक सी हो गई थी कि देखिए कल ही हमने वीडियो बनाई ऐसी और लड्डू गोपाल जी को भेजा उनके घर। और देखिए फ्रेंड्स, लड्डू वहाँ जाने के बाद वहीं के हो गए ऐसा लग रहा है। फ्रेंड्स, ये एक कुछ छोटी सी चीज़ थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। तो बस यही था फ्रेंड्स। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाडू की सेवा कान्हा का प्यार चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर लड्डू गोपाल कृपा चैनल की भी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही आप लोग ढेर सारा प्यार देते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय श्री कृष्णा।